इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मोटेली के बीच में और साथ ही में कलेक्शन और गॉड कुछ मेंबर के बीच में फाइट यहां पे चालू हो जाती है और लूशु भी अपना जो भी ना कवर लगा के फाइट करने के लिए निकल जाता है। फॉरएवर बर्ड का जो मेंबर था ना वो कहता है क्यूएल यार एक आदमी यहाँ पे था जिसके पास कमाल का डिवाइन वर्ड था वो एंड में गायब हो चुका था। किसी नाइटिंग नाम का जो बंदा यहाँ पे था ना हेविली इंडो का लीडर उसने मार डाला और उसने शायद मारने को इसको लिक्विड यहाँ पे दे दिया होगा। दूसरा लाल कोट वाला बंदा कहता है वो तो ठीक है लेकिन जाता कि मुझे मालूम है वो जिस बंदे के पास ये था ना उस समय साइज में काफी छोटा था लेकिन यार अब तो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। फॉरवर्ड वर्ड का मेंबर कहता है मैंने सुना भाई तुम इसका साइज और इसका पावर बढ़ाने के लिए ना ढेर सारे मैजिकल वेपन इसको यहाँ पे देने पड़ेंगे इसने खिलाया होगा लेकिन आई डोंट नो भाई इनके पास इतना वेपन कहां से आ गया। वो छोड़ो भाई फट जो यहाँ पे उन्होंने फट यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ गॉड का जो मेंबर यहाँ पर है शेनजी जिसका यहाँ पे नाम था हाँ तो वो अकेला है और ये मोटा लिया दूसरा लड़का चला गया यानी 1 vs 2 का होने वाला है यानी कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर की तो बैंड बज गई। फाइट वर्ड यहाँ पे चलू था और शेनजी यानी कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर हल्का सा भारी पड़ा था मोटे पे। लूशु पीछे से आते कहते मोटे मैं आ रहा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए मोटा भी कहते जल्दी से आओ। कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर का दिमाग का दही कि ओ शिट भाई ये मोटा ही मेरे ऊपर ज्यादा पड़ रहा था ऊपर से एक और बंदा सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। वो जो बंदा था ना कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर वो ऐसा करता है कि जो मोटा है ना मोटे का जो भाला घुमा के ऐसा नीचे फेंकता है दूसरे हाथों से वो जो स्टार यहाँ पे निकाल के लूशु की ओर हमला करता है। लूशु भी कहता है भाई इसी का तो अपन को यहाँ पे इंतजार था ये लो अपना वाटर से नबे छोटा सा शील बना के उसके स्टार को उसमें बंद करके ऑब्जर्व करवा के कहता है गुड मुझे यही चाहिए था बाय इतना बोल के वहां से निकल जाता है। कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर हिला के हिला रह जाता है और मोटा उससे भी हिला के हिला रह जाता है। मुझे तो बोला कि भाई मदद करने आएगा वो तो उसका वेपन चोरी करके भाग रहा है। जो बाकी मेंबर है ना वो भी कहते हैं साला भी वो मदद करने के नहीं आ रहा था बल्कि ये जो कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर है उसका वेपन चोरी करने के लिए आ रहा था। अब हम समझ गए तभी तो इस बंदे का जो भी वेपन है ना इतना फटाफट यहां पे डेवलप हुए जा रहा है। अब सारी की सारी बातें समझ आ गई। लीसा भी पूरा कांड देखे जा रही है। बाकी मेंबर पूछते हैं उसके टीम वाले कि ये वही लड़का क्या जिसको तुम यहां पे पसंद करती हो। लीसा कहती है जी हां ये वही बंदा जिसको मैं पसंद यहां पे करने लगी हूं। उसके टीममेट कहते तभी तो तूने बोला ना कि भाई वो पैसों से प्यार करता है समझ आ गया भाई पैसों से कैसे प्यार करता है। यहां पे जो मोटा लिया ना वो सदमे से बाहर निकलता है और नोटिस करता कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर वो अभी भी सदमे में यही मेरा सबसे बढ़िया मौका का फायदा उठा लेता हूं। हां तो सदमे में था उसका ध्यान नहीं था मोटली ठाम से एक हमला फिर दो हमला फिर तीसरा हमला फिर मुंह के अंदर और फिर फाइनली उसको यहां पे काफी ज्यादा गहरी चोट पहुंचा के काफी ज्यादा खून निकलवा देता है। अब कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर ये सोचता है केवल मेरी इतनी ज्यादा बैंड बज चुकी है ये मोटल ही भी मेरी बैंड बजा सकता है कोई सी लेवल का बंदा भी मेरी बैंड यहाँ पे बजा सकता है और लेकिन मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे मारने का नहीं है तो एक ही काम आप यहाँ पे कर सकते लगता है मुझे वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कोई अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे उसकी पावर यहाँ पे चार्ज होती है और पूरा एकदम चार्ज हो जाती है चोट वोट सब यहाँ पे गायब हो जाता है पूरा पहले जैसा पावर आ जाता है। तो सामने से मोटा भी हिल जाता है कि मम्मी इसके अंदर से जो पावर और महसूस हो रहा ना जब पहली बार यूज में कहते ढेर सारे बंदों ने अपनी कुर्बानी यहाँ पे दी थी इससे मोस्ट टाइप का और महसूस हो रहा है समझ गए वो बंदे भी है ना कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर थे और ये भी कलेक्शन ऑफ गॉड का यहाँ पे मेंबर है। मैंने सुना कि उन्होंने कोई ऐसी ऐसी टेक्निक यहाँ पे डेवलप की है जो कुछ समय के लिए ना हल्की सी कुर्बानी देके तुम्हारा पावर यहाँ पे इंक्रीज कर दे इसलिए शायद कुछ ना कुछ कुर्बानी देके इसने अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर लिया कुछ समय के लिए। सामने से वो भी कहता आ जा मोटे भाई अब तेरी बैंड बजाता हूँ। मोटे डर के हमारे निकल जाते कि मम्मी रे नहीं हमको मरना नहीं है बाय। सामने से वो मेंबर कहता है तेरी माँ का भी अबे साले तू हेवेली किंग हेवेली नेटवर्क का डर कह को रहा है वो कहता भाई जान यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बंदा कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर पीछा करने लग जाता मोटे का। यहाँ पे शीर्ष होता लूशु की ओर जो कि आगे आ चुका था ढेर सारे और चीजें मिले थे जो कि अपने डिवाइन वाटर को यहाँ पे खिलाया जा रहा था और पीछे साइड से आवाज महसूस होती है भी सोचता अभी तक आवाज यहाँ पे हो ही रखे भाई फट अभी तक खत्म नहीं हुई मुझे तो फट यहाँ पे कब का खत्म हो जाएगा कि मुझे जाके मोटे की मदद करनी चाहिए नहीं भाई मोटा बी लेवल का यहाँ पे संभाल लेगा मुझे भाई आगे क्या करना वो सोचना चाहिए क्योंकि आगे के रास्ते में ना ढेर सारे यहाँ पे दरवाजे बने ढेर सारे रास्ते भाई कौन सा रास्ता यहाँ पे सही होगा मुझे किस में यहाँ पे जाना चाहिए कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं में पीछे से मोटा लिया था वो आते ना एक दरवाजे के अंदर भाग के निकल जाते कि मम्मी रे भागो। लूशु भी लाइक कहां भागो भाई तू जिसके साथ लड़ाई कर रहा था उसका क्या वो भी पीछे से आता अभी मोटे के बच्चे अभी मोटे के बच्चे अभी मोटे के बच्चे कहां है जल्दी से बाहर निकल अबे साले यहां पे तो भूल भुलैया भाई इतने सारे रास्ते मैं किस रास्ते में जाऊं मोटली कौन से रास्ते में यहां पे गया ये ऊपर वाले थैंक यू भाई आज आपने यहां पे मारा नहीं है और आपने अपनी पावर यहां पे इंक्रीज कर लिया सबसे पहले इस मोटे को मारूंगा मोटे के मारने के बाद कहीं छुप जाऊंगा फॉर्मेशन आई लेकर और खुद की पावर यहां पे रिकवर करूंगा उसके बाद ना मैंने ये सैक्रिफाइस किया कि भाई मैं जिंदगी में कभी भी ना ये लेवल पे जा नहीं सकता अगर फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगा तो भी यहाँ पे चलेगा। उतने में जो लूशु है वो भी आगे साइड यहाँ पे भाग रहा था तो ये कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर देख लेता है उसके पीछे जाता है और कहते हैं हरामजादे भाई तू भी मेरा दुश्मन है अपन को तुझे भी मारना है बता जो भी मेरे स्टार्स थे तूने उसके साथ क्या किया। जो सुनते लूशु बोलता है कि मैंने क्या किया मेरे पास जो डिवाइन एबिलिटी है ना नहीं डिवाइन ऑब्जेक्ट है ना मैंने उसको खिला दिया तुम विश्वास करोगे अरे तुम विश्वास नहीं करोगे बीसी भागो यहाँ से वो उसके पीछे पड़ जाता है वो लोग भागा भोगी। उतने में
जो बाकी बंदे वो भी आते हैं, वो भी देखते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ पे एक नहीं बल्कि ढेर सारे रास्ते हैं, हम किस में जाएं। फूं का ध्यान जाता है लूशु की ओर की बेल, देखो वो बंदा और दूसरा बंदा, वो मोटल ही नहीं पक्का दूसरा साथी होगा उसका जिसने वो सामान यहाँ पे चोरी किया था, और कलेक्शन ऑफ गॉड का मेंबर उसके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है यानी गया। वो बंदे के तो पक्का यहाँ पे बैंड बजा है क्योंकि भाई मोटल ही जैसा बंदा डर के मारे निकल गया तो ये लौंड का क्या होगा। लीसा यहीं पर थी, सारी बात वो भी सुनती है, उसको भी टेंशन हो जाता है। तो उसी के टीम में एक लड़का यहाँ पे था जो कि उसका कजन यहाँ पे लगेगा लीसा का, वो सामने से कहता है आई नो भाई तुझे उस लड़के का टेंशन हो रहा है, मैं जाकर उस लड़के की मदद करता हूँ एक बार बस, उससे ज़्यादा नहीं। लीसा का दिया थैंक यू कजन चलेगा, भगवान से दुआ कर दी है भगवान प्लीज मेरे लूशु को यहाँ पे सेफ रखना। शीश होता भाई अंदर साइड जहाँ पे लूशु भाग रहा था, वो कलेक्शन ऑफ गॉड के मेंबर इसके पीछे पड़ हुआ था। लूशु नोटिस करता है इसका स्पीड तो भाई मेरे से भी तेज है, ऐसा लगता है जो बी लेवल रहता है बी लेवल के एकदम पीक पे एकदम यहाँ पे जा चुका है। मम्मी रे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यार प्लीज मेरा पीछा मत कर भाई, मोटे का पीछा कर। लेकिन इसके पीछे आ जाता है अटैक तैयार करके, लूशु को मारने ही वाला था लेकिन जो लीसा का कजन है वो बीच में आके ना उस पर अटैक करके उसको साइड में ढकेल देता है। तो वो बंदा भी सामने इससे कहता है तेरी माँ कभी बीच में आकर उंगली कैगो कर रहा है, तुझे मरना है क्या। अब लूशु भी कन्फ्यूज कि भाई ये बंदा तो शायद लीसा के ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर है, लेकिन अचानक से ये आके मेरे को कैगो सपोर्ट करा, बाढ़ में जाए भाई अपनी जान बचाओ भागो, और वो आगे भाग जाता है। अब ये जो बंदा यहाँ पे था उसका ध्यान भी था भाई लूशु को मारने की ओर, इसलिए वो भी कजन को इग्नोर मारता है और कहता है तू बाढ़ में जा भाई, बाद में कभी मिलेगा ना तेरी बैंड बजाऊंगा अभी साले लड़के तू, और जिस दिन तू हाथ में लगा ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करूंगा। लूशु भागे जा रहा, सोचता कि शिट भाई यार क्या करूं, ऐसे पीछे पड़ा रहेगा तो भी मेरी जान यहाँ पे निकाल लेगा, कुछ सोचो कुछ सोचो कुछ सोचो। ओ है समझ गया, अपना फ्लैंक सोड यहाँ पे निकालता है और उससे कुछ यहाँ पे दीवार पे लेके निकल जाता है। वो बंदा भी पीछे पीछे आता है चेक करता है कहाँ गया यहाँ पे तो नहीं है, ओ शिट यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है जो लूशु ने बेसिकली लिखा था, चेक करता क्या लिखा उस पर, ये लिखा था सुनो भाई ये मेरा रूम से भाई 10,000 साल पहले मैंने यहाँ पे बनाया था, तुमको यहाँ से निकलना है ना और लेवल पे जाना ना भाई, 10,000 रुपया यहाँ पे रखो और निकल के जाओ। तो इसका दिमाग कहता है कि भाई 10,000 रुपया कौन मांग रहा है भाई, कौन है साला कौन ऐसी बात है यहाँ पे लिखता है। लिटरली हर जगह लूशु ने ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, उसका दिमाग कहता ही हो जाता भाई कौन है बंदा ये, ऐसे कैसे कोई लिख सकता भाई, तुम पक्का कोई भैरूपिया हो गए। लूशु भागे जा रहा डेढ़ में आ जाता है। हाँ बस एक ही रास्ता यहाँ पर है और कोई कुछ यहाँ पे नहीं है, तो पूरा कन्फ्यूज की मम्मी रे भाई अब सामने से क्या करें, हम तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पीछे से बंदा आ जाता, कहते हैं साले भाई अब तू कहाँ जाएगा। लूशु के दिमाग की बत्ती जल जाती है, ऐनक यस मैं ऐनक को यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो ऐनक निकाल के उसको आंखों को यहाँ पे चौंधाने लग जाता है। उसका भी दिमाग कहता है कि साले भाई फिर से इसके पास ऐनक कहाँ से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं आप उनके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ता रहता है आंखों बंद करके, फिर लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है, वो भी सोचता भी लाइट बंद, शायद उसके अंदर की एनर्जी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, वो और लाइट यहाँ पे नहीं मार सकता तो लेट मी कम, तो और आगे बढ़ता है। लूशु फिर से ऐनक यहाँ पे एक्टिवेट करता है एकदम सीधा इस डायरेक्ट आंख के ऊपर, उसकी आंखें तो अब खुलने के लायक यहाँ पे बसती नहीं है, उसका पूरा दिमाग में गुस्सा आता है कि साले भी मारूंगा अब तो मैं तुझे यहीं पे मार के रहूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते भाई कौन किसको मारता है और आगे क्या होता है, और इस पर फॉर्मेशन है किसको मिलता है यानी कहानी बहुत ज्यादा है। आंसर है कि भाई अगला एपिसोड तो मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।